हेलो फ्रेंड्स, आपका गौरीज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बनाएंगे कटहल की सूखी सब्जी। फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए दोस्तों, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा कटहल ले लिया है। दोस्तों, कटहल को हमने बीच से काट दिया है। दोस्तों, इसको बीच से इस तरीके से टुकड़ों में काट लेना है। हाथों में सरसों का तेल लगा के इस तरीके से इनके छिलके को उतार देंगे और कटहल को हम छोटे छोटे पीसेस में काट के तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये छोटा कटहल इस तरीके से सूखी सब्जी बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। कटहल को हमने एक सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। कटे हुए प्याज ले लिए हैं, लहसुन दोस्तों, और यहाँ पर हमने सूखे मसाले जीरा काली मिर्च को ले लिया है। दोस्तों, जार में हम लहसुन प्याज और सूखे मसाले को डाल के इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी दाल चावल से, पराठा से, पूड़ी से, किसी से भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। दोस्तों, ऑयल मेरा गर्म हो गया है, इसमें हमने हींग डाल दिया है। हींग हमारे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती है फ्रेंड्स, इसलिए आप हींग ज़रूर डालें। इसमें हमने तेज़पत्ता, जीरा और एक लाल मिर्च डाल दिया है और कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इनको हम गोल्डन होने देंगे। फ्रेंड्स, मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो डाल देंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक, ये सारे मसाले को हम डाल देंगे दोस्तों, और बॉयल किए हुए कटहल को इसमें डाल देंगे और मसाला और कटहल को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाकर इनको ज़रूर ट्राई करें। चलाते रहेंगे सब्जी को और धीमी आंच पे ही इनको भूनेंगे, ढक के कुछ देर के लिए पकने देंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कॉमेंट मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, देखिए बातों बातों में हमारी सब्जी भून के तैयार हो गई है। जितना अच्छा ये भुनेगा दोस्तों, खाने में सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, इसको हमने सर्व कर दिया है। दोस्तों, आप एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।